हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, सब्जेक्ट है मशीन टूल एंड टेक्नोलॉजी। मशीन टूल एंड टेक्नोलॉजी को शॉर्ट फॉर्म में हम MTT के नाम से जानते हैं। इस सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं डिप्लोमा मैकेनिकल फिफ्थ सेम के स्टूडेंट। इसके अलावा इस टॉपिक की स्टडी BE और BTech के स्टूडेंट भी करते हैं, लेकिन वहां पर सब्जेक्ट का नाम रहता है मेटल कटिंग। तो फ्रेंड्स, इस सब्जेक्ट के अंदर आज जो मैं टॉपिक समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है लेथ एसेसरीज, मतलब फ्रेंड्स लेथ मशीन की एसेसरीज। इन सबको आप समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें, जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, एक डेफिनेशन लिखी हुई है इंग्लिश में और हिंदी में, और नीचे जो भी एसेसरीज है उनके नाम लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो डेफिनेशन है उसको समझ लेते हैं कि कैसे डिफाइन करेंगे लेथ मशीन की एसेसरीज को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, जो लेथ मशीन के ऊपर हम क्या करते हैं, किसी भी जो हमारा वर्क पीस रहता है या किसी मेटल के पीस पर कुछ हम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो उन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स, जो भी हमारा वर्क पीस है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, और फ्रेंड्स उस ऑपरेशन के लिए जो टूल्स यूज करते हैं उन टूल्स को सेट करने के लिए कुछ एसेसरीज, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट यूज करते हैं, उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, लेथ एसेसरीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन लेथ एसेसरीज के नाम है फ्रेंड्स, जैसे कि सेंटर है, चक है, लेथ डॉग है, ड्राइव प्लेट है, फेस प्लेट है, एंगल प्लेट है, मैंड्रल्स है, रेस्ट है। इन सबको फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, वन बाई वन समझेंगे विथ डेफिनेशन और डायग्राम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, जो सेंटर है लिखा हुआ है उसको समझना। तो फ्रेंड्स यहां पर लिखा सेंटर, सेंटर होते हैं फ्रेंड्स दो टाइप्स के। कितने होते हैं, दो टाइप्स के। एक होता है लाइव सेंटर, दूसरा होता है डेड सेंटर। क्या होता है, एक होता है लाइव सेंटर और दूसरा होता है डेड सेंटर। दोनों को फ्रेंड्स यहां पर समझाया है, जैसे कि पहले को मैं समझा रहा हूं लाइव सेंटर को। तो जैसा कि आपने लेथ मशीन अगर पढ़ी हुई तो फ्रेंड्स वहां पर पढ़ा होगा जो हमारा हेड स्टॉक रहता है, क्या रहता है, हेड स्टॉक देखा होगा लेफ्ट हैंड साइड में, उसके साथ एक स्पिंडल लगा रहता है। क्या लगा रहता है, स्पिंडल। उस स्पिंडल में क्या रहता है फ्रेंड्स, जो सेंटर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइव सेंटर। क्या बोलते हैं, लाइव सेंटर। जो भी हमारा लाइव सेंटर रहता है या फिर जो हमारा हेड स्टॉक स्पिंडल बोलते हैं इसको, उसके साथ हमारा वर्क पीस मूव करता है। क्या होता है, वर्क पीस मूव करता है। तो समझ में आएगा फ्रेंड्स, जो हमारा स्पिंडल रहता है जो हेड स्टॉक के साथ लगा रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइव सेंटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम दूसरे की, जो भी हमारा कौन सा होता है, डेड सेंटर। अब इसको लाइव सेंटर क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स, इतना और समझ लेते हैं, क्योंकि ये मूव करता है, ये क्या करता है, मूव करता है, इसलिए हम इसको लाइव सेंटर बोलते हैं। दूसरा होता है डेड सेंटर। डेड सेंटर किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, दूसरा जो हमारा राइट हैंड साइड में जो हमारा टेल स्टॉक रहता है वहां पर भी ये क्या होता है, एक सेंटर लगा रहता है। क्या लगा रहता है, सेंटर लगा रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेड सेंटर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, डेड सेंटर। अब यह मूव नहीं करता, यह क्या करता है, मूव नहीं करता, सिर्फ वर्क पीस को सपोर्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए डेड सेंटर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर डायग्राम बने हुए हैं जी, लाइव सेंटर फ्रेंड्स, जो कि हमारा जो पहला पार्ट रहता है लेफ्ट हैंड साइड में फ्रेंड्स, हेड स्टॉक उसके साथ कनेक्ट रहता है स्पिंडल के रूप में, और ये डेड सेंटर फ्रेंड्स, ये डेड सेंटर जो हमारा टेल स्टॉक रहता है उसके साथ कनेक्ट रहता है। इन दोनों डायग्राम को आप एग्जाम में बना सकते हैं नॉर्मल लाइन डायग्राम बनाकर। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट एसेसरीज को समझ लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स चक। चक का यूज आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, अगर आपने लेथ मशीन पढ़ी हुई है, कि इसका काम रहता है जो वर्क पीस रहता है उसको होल्ड करना। यह मूव रहता है फ्रेंड्स किसके साथ, जो हमारा स्पिंडल लगा रहता है हेड स्टॉक के साथ, जैसे स्पिंडल मूव होता है उसके साथ हमारा चक मूव होता है, चक के साथ हमारा वर्क पीस जुड़ा रहता है, वह भी मूव रहता है। तो फ्रेंड्स यह क्या होता है, डिफरेंट टाइप के रहते हैं, लेकिन हम जो मेन दो टाइप्स की बता रहे हैं, एक होता है थ्री जो चक, एक होता है फोर जो चक। क्या होता है, एक थ्री जो चक होता है, एक फोर जो चक रहता है। ये जो थ्री जो चक रहता है फ्रेंड्स, यह साइमल्टेनियसली मूव रहता है, जबकि जो फोर जो चक रहता है यह इंडिपेंडेंटली मूव रहता है। तो फ्रेंड्स समझ गए होंगे कि चक, आपने लेथ मशीन पढ़ी होगी तो उसमें आसानी से चक के बारे में पढ़ा होगा, तो आसानी से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको आप नॉर्मल 2D डायग्राम बना के आप नॉर्मल बना सकते हैं, एक सर्कल बनाएंगे उसके बीच में ऐसा डाल देंगे, बीच में होल बना देंगे, तो आसानी से इसको बना सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा चक क्या काम करता है और कैसे मूव होता है, किसके साथ मूव रहता है। अब नेक्स्ट एसेसरी समझ लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लेथ डॉग। ये लेथ डॉग क्या होता है फ्रेंड्स, इसका यूज क्या होता है, ध्यान से सुन लें। इसका यूज होता है फ्रेंड्स, जो भी हमारा वर्क पीस टाइट रहता है, जो कसा हुआ रहता है कहां पर, चक के अंदर, वह ये जो हमारे डॉग देख रहा है, लेथ डॉग बोलते हैं इनको, इन्हीं के द्वारा कसा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में क्या आया आपको, वर्क पीस रहता है जो चक के अंदर टाइट रहता है, वह किसके द्वारा टाइट रहता है, ये जो डॉग है यहाँ पर जो टॉपिक लिखा है, ये दो डॉग दिख रहा है आपको डायग्राम, इन दो डॉग के द्वारा ही कसा रहता है, वह अटैच रहता है किसके, एक पिन के साथ, ड्राइविंग प्लेट और फेस प्लेट के साथ। ठीक है फ्रेंड्स,
अब बात यह है कि इसके एग्जाम में कैसे बनाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने दो डायग्राम लाइन डायग्राम बना दी है इसके। यहाँ पर इसको टेल बोलते हैं जो इसका एक एंड है फ्रेंड्स। तो इन दो डायग्राम को आप एग्जाम में आसानी से बना सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेथ एसरीज के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप इसकी जो भी डेफिनेशन यहाँ से लिख दें और यहाँ से डायग्राम बना दें। तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा लेथ डॉक का काम लेथ मशीन के अंदर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ड्राइव प्लेट। ड्राइव मीन्स होता है फ्रेंड्स जो मूव होती प्लेट। यह किसके साथ अटैच रहती है फ्रेंड्स? जो हमारा स्पिंडल रहता है उसके साथ अटैच रहती है। और स्पिंडल में अटैच करने के लिए इसमें क्या थ्रेडेड है और होल रहता है फ्रेंड्स, ठीक है, उससे अटैच रहती है। इसके साथ अटैच रहती है डॉक, ठीक है फ्रेंड्स। यह किसके साथ मूव रहती है? जो हमारी स्पिंडल रहता है उसके साथ मूव रहती है। और इसके साथ क्या अटैच रहते हैं? डॉक, इतना याद रखना, ठीक है फ्रेंड्स। और इसलिए इसमें जो होल दिखाया गया फ्रेंड्स इसका मतलब होता है इसमें होल और थ्रेडेड रहते हैं स्पिंडल के साथ अटैच करने के लिए। तो फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आएगा। वो स्पिंडल में अटैच कहां पर रहती है? एक नोज रहती है, उसको उस पार्ट को क्या बोलते हैं? नोज, जहां पर ये अटैच रहता है। और फ्रेंड्स एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, आप अगर सुनना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आप रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, आप सारे सब्जेक्टों का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। हमने उसके लिए आपको पर्सनल असिस्ट करने के लिए हम आपका मोबाइल नंबर लेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमारी मेंबरशिप लेना पड़ेगी। मेंबरशिप की फीस सिर्फ फ्रेंड्स हमने रखी है 199 रुपए, मतलब लगभग 200 रुपए एक मंथ की फीस है। और 200 रुपए में हम फ्रेंड्स जो भी 2 से 3 महीने के अंदर हम आपके 4 से 5 सब्जेक्ट कंप्लीट करवाएंगे, सारे कंप्लीट सिलेबस, और पर्टिकुलर आपको असिस्ट करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर लिंक भेजेंगे, आपसे फोन पे बात करेंगे, जिससे आप किस तरह आपको पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जहां पर आप देख रहे हैं, जहां पर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, वहां पर जाना पड़ेगा। उसके जस्ट बगल में एक ज्वाइन बटन लिखा होगा, उस ज्वाइन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट वहां पर पेमेंट मेथड पर पहुंच जाएंगे। पेमेंट करने के लिए आपको अपना एटीएम कार्ड यूज करना पड़ेगा। एटीएम से आप 200 रुपए पे कर सकते हैं। 200 रुपए पे करेंगे फ्रेंड्स, वहां 1 महीने की फीस होगी। कितनी? 1 महीने की फीस। अगर आप 3 महीने पढ़ लेते हैं लगातार हमसे, तो गारंटी है कोई भी सब्जेक्ट हो, न्यूमेरिकल वाला हो, डेरिवेशन वाला हो, या ड्राइंग वाला हो, या कोई थ्योरी वाला हो, हम सभी सब्जेक्टों के सिलेबस कंप्लीट करा देंगे फ्रेंड्स, इसकी गारंटी है। और 600 रुपए में आप घर पे बैठ के आसानी से अपने कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं स्टार्ट कर क्या बताया था? ड्राइव प्लेट। ड्राइव प्लेट बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि इसका यूज कहाँ पर होता है और कैसे करते हैं। अब मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स इसको एग्जाम के पर्पज से। तो यहाँ पर दिख रहा है ड्राइव प्लेट, आपको एसरीज एक्सप्लेन करना है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम को नहीं बनाना, ये जो डायग्राम नॉर्मल है इस डायग्राम को बनाना है आपको एग्जाम में, और ये डेफिनेशन लिखना है हिंदी में या इंग्लिश में। अब नेक्स्ट एसरीज की बात करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फेस प्लेट। क्या होती है? फेस प्लेट, ठीक है। फेस प्लेट ही जो भी हमने ड्राइव प्लेट बताई उसी की तरह फेस प्लेट भी होती है। यह भी स्पेंडल स्पिंडल के साथ अटैच रहती है और उसी के साथ मूव रहती है, लेकिन इसका साइज बड़ा रहता है। और इसके बीच में क्या है? टी टाइप की स्लॉट दिख रहा है, टी टाइप की स्लॉट कटे जाते हैं। क्या होते हैं? टी टाइप के स्लॉट कटे जाते हैं। टी टाइप के स्लॉट काटे जाते हैं फ्रेंड्स वर्क पीस को क्लैंप करने के लिए, वर्क पीस को यहाँ पर सही से फिट हो जाए उसके लिए। तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा आपको फेस प्लेट का यूज क्या है और कहाँ पर लगी जाती है और कैसे काम करती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका काम ओनली है यहाँ पर वर्क पीस जो भी रहता हुआ क्लैंप हो जाता है इस टी स्लॉट में, एक एक्स्ट्रा जो भी हमारा पार्ट रहता है उसकी सहायता से। तो यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम को नहीं बना पाएंगे तो ये डायग्राम दिख रहा है, इसको नॉर्मल तरीके से आप बना सकते हैं। कहाँ पर? फेस प्लेट का डायग्राम, जब भी एक्सरसाइज समझाएंगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये वर्क पीस दिखाया गया कि ये वर्क पीस को कैसे क्लैंप किया जा सकता है इस फेस प्लेट के ऊपर। तो फ्रेंड्स इस डायग्राम को आपको एग्जाम में बनाना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एंगल प्लेट। एंगल प्लेट भी जहां पर हमने फेस प्लेट और ड्राई प्लेट का यूज किया था वहां पर एंगल प्लेट का यूज किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स एंगल प्लेट का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि जब हमारे वर्क पीस को क्लैंप करना आसान नहीं रहता है, जब हमें वर्टिकल फेस में के ऊपर हमें क्या किसी वर्क पीस को क्लैंप करना तो क्लैंप नहीं कर सकते हैं, तब हमें क्या करते हैं? इस एंगल प्लेट का यूज करते हैं। एंगल प्लेट में एक्स्ट्रा क्या करते हैं फ्रेंड्स? हम यहाँ पर एक जो प्लान दिख रहा है प्लान टाइप का बना देते हैं, जैसा कि इस लेथ मशीन के ऊपर दिख रहा है ये प्लान दिख रहा है, ये बना हुआ है। इस प्लान पे क्या होता है? यहाँ पर आसानी से सपोर्ट हो जाता है, क्या वर्क पीस रखा जाता है, और इसमें बहुत सारे क्लैंपिंग के लिए होल कर देते हैं, टी टाइप की स्लॉट बना देते हैं, जिससे आसानी से इसमें क्या हुआ क्लैंप किया जा सके और वर्टिकल के नीचे ना खिसके, इसलिए हम इसमें क्या एक प्लान बना देते हैं, इसलिए हम किसको इसको क्या बोलते हैं? एंगल प्लेट बोलते हैं। फ्रेंड समझ में आया होगा, इसका आसानी से इस टाइप का आप डायग्राम बना सकते हैं। थोड़ा सा तिरछा करके बनाएंगे तो फ्रेंड ये प्लान बना, ये प्लान भी दिखेगा और स्लॉट करके दिखा दें तो आसानी से आप बना सकते हैं, इजी सा डायग्राम है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मैंड्रल्स। मैंड्रल्स का यूज क्या होता है फ्रेंड्स?
कि कोई भी हमें सिलिंड्रिकल पार्ट्स को होल्ड करना है तो हम दोनों एंड पे जो मेंडर्स लगाते हैं उनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, सिलिंड्रिकल पार्ट्स को वहां पर होल्ड कर सकते हैं, उसको सपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं जो भी हमारा टेल स्टॉक रहता है और हेड स्टॉक रहता है दोनों की ओर हम क्या करते हैं, जो भी सेंटर यूज करते हैं उस सेंटर की जगह हम क्या जो यूज करते हैं सिलिंड्रिकल पार्ट्स को या किसी भी पार्ट को सपोर्ट करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, मैंड्रल्स बोलते हैं। ठीक है, कहां पर जो सेंटर रहते हैं वहां पर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आया, जैसे कि लेथ मशीन के यहाँ पर दिखाया, अगर इस पार्ट को हमें यहाँ करना तो ये सेंटर दिख रहा है यहाँ पर, इसको ये सिलिंड्रिकल पार्ट है यहाँ पर, इसको अटैच कर दिया, इस तरह इधर भी इसको अटैच कर दिया, तो ये क्या है दोनों मैंड्रल्स पर क्या हो गया, ये पीस हमारा अटैच हो गया। यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया फ्रेंड, जिसकी सहायता से आप एग्जाम में बना सकते हैं, समझ सकते हैं। ये कोई वर्क पीस है फ्रेंड्स, इसको मुझे ये मैंड्रल दिख रहा है फ्रेंड्स, ये मैंड्रल की सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये होल होगा और एक यहाँ पर होल होगा, इसको हम क्या करेंगे, एक पार्ट को हम कहाँ करेंगे, जो हमारा इस पार्ट को हम टेल स्टॉक पे, लेफ्ट हैंड पे हेड स्टॉक पे, दोनों पे हम जो सेंटर्स रहते हैं वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा क्या होता है, जो दोनों सेंटर्स हैं उस पर हम आसानी से किसी सिलिंड्रिकल पार्ट को कनेक्ट कर सकते हैं इस मैंड्रल की सहायता से। तो फ्रेंड्स, मैंड्रल भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट और लास्ट है फ्रेंड्स रेस्ट। रेस्ट फ्रेंड्स मीन्स जैसा आपको दिख रहा है रेस्ट करना, तो ऐसे ही हम क्या करते हैं टूल के लिए जब किसी एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो वहां पर हम क्या, जैसे कि यहाँ पर टूल दिख रहा है उसको हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए कुछ यहाँ पर कैरिज के ऊपर लगा दिया, कुछ प्लेटफॉर्म टाइप का, जिससे आसानी से ऐसा ऑपरेशन हो सके, उसे हम बोलते हैं रेस्ट। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया होगा। यहाँ पर दिखाया गया कि जो वर्क पीस यहाँ पर लगा हुआ, जो लगे हुए जिनमें वर्क पीस फंसा हुआ है, हिंज यहाँ पर सपोर्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर दिखाया गया टूल कैसे वर्क कर रहा है, ये इस पर कैरिज के ऊपर रखा हुआ है टूल पोस्ट, वहां पर क्या हुआ जो हमारा टूल है उसको फिट कर दिया, उससे ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप का जो रेस्ट बोलते हैं, रेस्ट मीन्स होता है किसी पर रखा हुआ कोई टूल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए इसको यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको जो भी एक्सेसरीज आज मैंने समझाई हुई आपको समझ में आई होंगी, एग्जाम के पर्पज से अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, क्योंकि ये है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी ज्वाइन करें, जिससे हम टाइम से आपका सिलेबस कंप्लीट करा सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।